Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel. This is Farhan Parvez. This is Rahil Shahzad. And we are back again with another video. आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, हमेशा की तरह जिस पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है हम उसी पे रिएक्ट करते हैं। इस वीडियो का नाम है आसाम ड्रोन शॉट। भाई तबाही होने वाली है, आसाम का मैंने नाम सुना हुआ है। आसाम का नाम मैंने भी बहुत सुना है और हमने अभी रिसेंटली मणिपुर पे रिएक्ट किया है, सिखम पे रिएक्ट किया है हमने, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। ये सारी जो सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। खैर अब हम आप लोगों को क्या बताएं, आप लोग तो वहीं के हैं। लेकिन जो हमें पता चला है अभी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, हमें नॉलेज डे बाय डे मिल रही है इस जगहों की, तो हम लोग इसलिए शेयर कर ले रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सेवन स्टेट्स हैं, मणिपुर है, सिखम है, और ये थर्ड जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है आसाम। इसके बाद और भी हैं जिन पे हम रिएक्ट करेंगे बाद में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, उनका नाम है अमित दास। थैंक यू अमित दास कि आपने हमको इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करी और हम इस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट दी ओरिजिनल क्रिएटर। और उसके साथ साथ आप में से जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, अगर हमारा रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। तो आसाम का तुमको क्या लग रहा है, कैसा होने वाला है? यार देख, आसाम का मैंने नाम सुना हुआ है क्योंकि आसाम ऐसा मेरे ख्याल से टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, ऐसा ही है क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा भी था और मैंने सुना भी था कि इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसके अंदर गोवा हो गया और कौन सा था वो हिमाचल प्रदेश ये भी वही है ना, हिमाचल प्रदेश सही है ऐसे ही। और क्या कहते हैं शिमला और ये पता नहीं क्या, ये जगह जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मनाली, मेघालय है ना, मेघालय, ये जगह मैंने सुना है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसमें से एक और नाम मैंने सुना हुआ था जो अभी जिसपे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, आसाम स्टेट का। तो अब ये है कि ये देखना पड़ेगा कि अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि नाम मैंने बहुत सुना है। तो मे भी क्योंकि जैसे इसने बोला आसाम तो मुझे पता था कि कोई बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू, अमित दास भाई थैंक यू, आपने हमको इस वीडियो भेजी, हम इस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा रिएक्शन कैसा लगा। The sole purpose is his promote. Okay. Assam, अबे भाई start check करें। Incredible North East, भाई North East India सारा ऐसा ही है। Start तो check करें भाई, ये देखें आप। Unplanned traveler. Incredible India. Waterfalls. Normal है waterfalls वगैरह तो भाई ये। वो ये जगह देख रहा है वही तो मणिपुर फॉल नाम है इसका। आप चेक करें, आप जगह चेक करें फरहान भाई। जोरहट व्हाट इज दिस, दिखो आसाम है ना इसमें। यार ये कितना जबरदस्त लग रहा है। और वो वाला बहुत अच्छा, ये तो वो याद आ गया मुझे ये देख के भाई 100-200 ज्यादा ले लैंड करा दे अबे यार खूबसूरती चेक करें आप, माय गॉड। ये कोई वहां के वो होगी रहने की जगह, ये कोई टेंपल है, टेंपल है सुभाष सगर टेंपल, कमाकिया टेंपल ऐसे कुछ नाम था आई थिंक। मजूली रिवर एंड ब्रिज, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, जबरदस्त लग रहा है। खेती बाड़ी होगी ओके, ये देख रहे हैं साथ में कैसा है जबरदस्त। मजूली इस जगह का नाम हुआ, एक मिनट फेमस हो गया फरहान भाई। गेंडे आप देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। ओए होए नीम लेक, नीम लेक भाई
ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पहले भी दिखाई है मैंने। गुवाहाटी यार, इसका भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। किसकी? गुवाहाटी की। चलें कर देंगे। ये कौन सा आइलैंड था? उमियामा। वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है। गुवाहाटी। हाँ, वीडियो इटसेल्फ बहुत अच्छी है। ये क्या है इस साइड में? ये क्या पड़ा है पानी के ऊपर? कितना जबरदस्त बना है। खेत चेक कर रहे हैं अभी। रोड तो देखो इन जगहों पे, ऐसे रोड, ये सीधा रोड जा रहा है भाई। हैवी बाइक लो और बस मन दो। ना ग्रीन कितना है, कितना यार ये नेचुरल ग्रीन है। ये मुझे गुवाहाटी वाली जगहें लग रही हैं जी, क्योंकि उसकी खत्म यार वीडियो इतनी सी थी। अनएक्सप्लोर्ड नॉर्थ ईस्ट, एक्सक्लूसिव नॉर्थ ईस्ट, जुगो लाना ट्रैवल इंस्पिरेशन बाय ओके असम। इनक्रेडिबल नॉर्थ ईस्ट, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल यार ये जगह भी है भी यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई दिल आ गया जगह पे कसम से। अच्छा यार ये मैंने इसमें गुवाहाटी देखा है और कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था गुवाहाटी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। और इस पूरी वीडियो में जितने भी ड्रोन शॉट्स थे गुवाहाटी के, दो तीन शॉट्स ऐसे थे जो आउटस्टैंडिंग थे, जो मुझको लगे ना वो थोड़े डेवलप्ड से लग रहे थे। ग्रीनरी भी थी और प्रॉपरली रोड वगैरह डेवलप थे, और वो उन्होंने उसका एकदम यू जूम इन करके एकदम जूम आउट करके व्यू दिखाया था, तो वो मुझे लग रहा है वो गुवाहाटी है वो। और बहुत बहुत ज़बरदस्त मुझे वो सारे शॉट में सबसे अच्छे शॉट वो दो तीन लगे मुझे। भाई मेरा तो दिल आ गया जगहों पे जो मैंने जगहें देखी हैं ना, मतलब ऐसी ग्रीनरी, इतनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी, और ना पूछो मतलब अगर मेरा पूरा यानी भाई शहरों में रोड ही रोड और बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ ना बिल्डिंग्स हैं ना रोड को इतने, यहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। जो रोड होता जो अभी फरहान जिसने मेंशन करा था वो क्या शानदार रोड था, मतलब यार सही बोला था। इस तरह की मार दो भाई, और इन एरियाज में 140 स्पीड आराम से 200 पे मारो, 200 पे मारो हैं। वो मुझे बहुत वो मेन रोड लग रहा था, कोई उनका कोई हाईवे टाइप होगा वो वहाँ उस जगह का जो सारे उनको सारी स्टेट्स को कनेक्ट करता होगा, कोई मेन रोड लग रहा था मुझे, क्योंकि इतना वाइड चौड़ा इन एरियाज में, क्योंकि यहाँ इतना ट्रैफिक तो होता नहीं है इन एरियाज में इतना वाइड, और वो वन एक साइड जाने वाला अलग आने वाला अलग। और अच्छा वो जो इस तरह के मेन रोड होते हैं ना वो ग्राउंड लेवल से यूँ उठे हुए होते हैं और फिर ऐसे बने होते हैं, ये वैसा बना हुआ था ग्राउंड लेवल से इस तरह उठा हुआ था और फिर इस तरह सीधा थोड़ा ऊपर होके बना हुआ, ऊपर हो गया तकरीबन 10-15 फीट ऊपर होके बने होते हैं, ये पानी वानी ना जाए और वो रोड खराब ना हो इस वजह से, और बस बहुत स्मूथ गुजरे ट्रैफिक। बहुत शानदार इतना लंबा रोड, और उसके अलावा यार वाटरफॉल्स देखी। हाँ वाटरफॉल्स, शुरू वाली वाटरफॉल्स तो अगर वो स्टार्टिंग ही वाटरफॉल पूरी ना दिखाएं, करीब से उसे दिखाएं तो वो तो नायगरा फॉल जैसी लग रही थी मुझे कसम से। नायगरा फॉल तो बहुत बड़ी वाटरफॉल, लेकिन ये पूरी इतनी बड़ी वाटरफॉल मजा आ गया देख के। आसाम का सही कह रहे थे यार, काफ़ी जो लोग इतनी रिक्वेस्ट कर मुझे, मैं वैसे शौक नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना हुआ था, बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि आसाम जो है बड़ी ब्यूटीफुल स्टेट है। इंडिया के अंदर कोई अगर स्टेट देखनी है आसाम की स्टेट देख ले बंदा वो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्टिव से। थैंक यू यार अमित, आपने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो हमसे शेयर करी, और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको रिप्लाई भी करेंगे। अब हमें बताइएगा हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और इसके अलावा किसी और वीडियो पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, बहुत मज़ा आया। मुझे सारी ग्रीनरी जो थी इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट ग्रीनरी ही ग्रीनरी भरा पड़ा हुआ है। सही बात है, अब मुझे पता होगा यहाँ पे बारिशें बहुत होती होंगी क्योंकि जो जिस तरह वहाँ पे एकदम ग्रीनरी थी। तो यार हमें तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड अप करते हैं इस वीडियो की। ये नीचे जो वीडियोज आ रही हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, इसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिन वीडियोज़ पर आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें कमेंट सेक्शन में उसका लिंक और टाइटल ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।